हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। देखिए, 10,250 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और ये न्यूज़ मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे दी है। मैं तो सुबह से इवन बहुत बिजी था, तो आज हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत जल्दी हमने 10,000 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं। ये आप सब लोगों के कारण हुआ है, ठीक है, कि मैंने 10,000 सब्सक्राइबर अकेले, मैं अकेले काम करता हूँ ना, कोई टीम नहीं है मेरे साथ। मैं अकेले सुबह से उठता हूँ 5 बजे से, और 5 बजे से लेकर शाम के 8 से 9 बजे तक मैं कंटिन्यू काम करता हूँ। बीच में सिर्फ खाना खाने के लिए उठता हूँ और नहाने के लिए उठता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से अपने अपने जो भी मेरा एक ऑफिस टाइप का है, यहाँ से मैं नहीं उठता हूँ, ठीक है। तो ये 10,000 सब्सक्राइबर मेरी मेहनत और आपकी मेहनत, दोनों की मेहनत के कारण हमने जल्द से जल्द, देखिए YouTube में बहुत सारे चैनल हैं, तो बहुत सारे चैनल जो ADO के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, उनमें हमारा चैनल बहुत ही फास्ट ग्रोइंग था, ठीक है, और हमने जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सबसे ज़्यादा सहारा है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है भाई, कि एक नए और अकेले YouTube चैनल चालू कर कर भार्गव क्लासेस ने इतनी तरक्की कर ली कि 10,000 सब्सक्राइबर, इवन 10,000 नहीं, 10,250 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ये YouTube चलाने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं, उनका सपना होता है कि वो जल्द से जल्द 10,000 का क्रॉस कर लें, ठीक है, और आज हमने वो 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। तो मैं फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे हमारा परिवार और भी इससे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जितने भी CG व्यापम, PSC, CG पुलिस या CG फॉरेस्ट, जितने भी एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू आने वाले हैं, सारे के सारे के लिए मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। अभी मैं 5 बजे सुबह उठता था, अब मैं 4 बजे सुबह उठूँगा या 3 बजे सुबह उठकर आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा। देखिए, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, क्योंकि मैं टाइप करके हर चीज़ बनाता हूँ, मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता। मैं पूरे के पूरे वीडियो जितने भी आज तक आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने अपने हाथ से टाइप किया है, ठीक है, मैंने कहीं से टाइप नहीं किया। और मैं अकेले काम करता हूँ इस चैनल के ऊपर में, और दिन भर लगा हुआ रहता हूँ ताकि आप में से किसी ना किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जल्द से जल्द मिल जाए और आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो फिर से एक बार और कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत जल्दी हमारे चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर के पार कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, ये खुशी तो हम मनाते ही रहेंगे क्योंकि हमारा परिवार बढ़ते ही जा रहा है, और एक दिन परिवार के साथ मिलकर मनाएंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों से कुछ सुझाव चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि आज हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखने वाले हैं समास, ठीक है। मैं हिंदी का सेक्शन चालू करने वाला हूँ, तो हिंदी के सेक्शन में मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें पहला वीडियो है समास और दूसरा है हिंदी वर्ण, ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले आप समास का एक वीडियो जो हमारे चैनल पर डला हुआ है, इस के डिस्क्रिप्शन पे मैं वो लिंक भी देने वाला हूँ, समास के जो हिंदी समास का है वो वीडियो। तो ये आप देख कर बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है कि या नहीं, हिंदी पढ़ा मैं पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, तो आप सुझाव देंगे मुझे। देखिए, मैं थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए है कि आप मुझे बताएंगे कि हिंदी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से समझ में आएगा कि नहीं आएगा। पहले आप समास का वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखेगा यहाँ से, ठीक है। देखिए, समास किसे कहते हैं, देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने, बनने से, या फिर देखिए इस अभी मैं इतना वो नहीं फोकस करता हूँ आपको, मैं सीधा इसका आंसर बताता हूँ। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर समास बनते हैं। सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल शब्द, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं कि समास रचना की कितने पद होते हैं, तो इसमें 2 पद होते हैं, उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। इसी प्रकार समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, ठीक है। आप अच्छे से हमारा वो वाला वीडियो देख लीजिए, मैंने ही बनाया, खुद से बनाया, उसमें सब कुछ दिया हुआ है समास के रिलेटेड। आप आराम से समास का चैप्टर जो है वो समझ जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से देख लीजिएगा। ये तो सिर्फ मैं एक डेमो की तरह आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इसी तरीके का हिंदी का वीडियो आप लोगों को चाहिए क्या, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, अव्ययी भाव समास, तो ये देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, यहाँ पर पूरा डिटेल से मैंने दे दिया है आप लोगों को, ठीक है। ये भी वहाँ पर पूरा डिटेल पूरा दिया हुआ है वीडियो के अंदर, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इसके बाद देखते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। क्यों होता है, तो आप वीडियो देखिए,
समास वाला आप समझ जाएंगे, ठीक है। कि समास से बने शब्द का रूप लिंग वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता, ये भी अव्ययीभाव समास है, इसका भी आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिग्रहण। तत्पुरुष समझने के लिए कारक समझना होगा आपको, कर्ता ने कर्म को, करण से, ये वाला चीज आपको समझना होगा, उसमें मैंने वीडियो में समझाया हुआ है आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होता है, तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होता है, तो बहुव्रीही समास होता है, ठीक है, ये भी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। षटकोण शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो षटकोण शब्द में द्विगु समास यूज होता है, ठीक। तो ये पूरा आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो इतने ही प्रश्न हैं, ये मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए आप लोगों से पूछने के लिए कि इस टाइप के वीडियो हिंदी के बनाए जाए कि नहीं बनाए जाए, या फिर पूरा थ्योरी बेस्ड हिंदी का वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने जल्द से जल्द हमें 10,000 सब्सक्राइबर के पार कर दिया, ठीक है। मैं अगर आपके सामने होता तो आपको हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से ही कर रहा हूँ, ठीक है। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन मैं अपना फेस इस चैनल पर दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैंने एक टारगेट रखा है, वो टारगेट अचीव होने के बाद मैं अपना फेस चैनल पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।